सो हे गाइस, स्वागत है आपका पोकेमोन की एक और नई वीडियो में। एंड गाइस, आज संडे है तो पोकेमोन की थ्योरी वीडियो आनी थी, एंड बीच बीच में भी आती रहेगी पोकेमोन की थ्योरी वीडियो, एंड पोकेमोन से अपडेट भी आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो, वीडियो अच्छी लगी होगी बनाई अभी, देखो वीडियो देख लो यार, एंड वीडियो अच्छी लगेगी ही आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे देखो सब्सक्राइब आपको करना ही आपका काम है यार, देखो सपोर्ट करो। एंड गाइस, आपको पोकेमोन से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिलेगी, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को लाइक कर दो। तो देखो, अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो देखो, शुरू कर देते हैं तो देखो वीडियो में हमारा जो मतलब शुरू से बताता हूँ, क्योंकि जो कैटरपिलर है ना, बटरफ्ली का सबसे पहला रूप, वो ऐश का सबसे पहला पोकेमोन है। तो देखो, पहला नहीं दूसरा बोल सकते हैं, पहला पिकाचू है। तो देखो, स्टार्टिंग से चलते हैं थोड़ा पुराने सीजन वन फर्स्ट इंडिगो लीग में। तो देखो, सीजन वन की स्टार्टिंग में जब हमारा ऐश शोरा होता है, सपने में देखता है कि वो मतलब पता नहीं कौन सा चुनता है, शायद चार्मेंटर चुनता है। तो देखो, पोकेमोन मतलब सुबह लेट हो जाता है, प्रोफेसर होके पर जाता है, तीन पोकेमोन होते हैं, चार्मेंटर एंड हमारा क्या नाम है, स्कॉटल एंड बल्बसोर। तो इन तीनों ले नहीं पाता, लेट हो जाता है। तो एक पोकेमोन रहता है पिकाचू, जो उसको काफ़ी शौक देता है एंड उसकी बनती नहीं है। तो सेकंड एपिसोड में दोनों दोस्त हो जाते हैं फर्स्ट एंड सेकंड में। तो देखो, थर्ड एपिसोड में हमें कैटरपिलर देखने को मिलता है, एंड मिस्टी भी रहती है इसके साथ। तो ऐश एंड मिस्टी मतलब मिस्टी जाती है साइकिल के लिए अपने, ऐश उसकी साइकिल तोड़ देता है। तो मिस्टी को ना मतलब बग टाइप पोकेमोन से डर लगता है, और जो बग टाइप पोकेमोन है ना, क्या नाम है इसका, कैटरपिलर मिस्टी से मतलब मिस्टी को पसंद करता था, लेकिन मिस्टी उसे नहीं करती थी। और जब ऐश ने उसे पकड़ भी लिया एंड पकड़ के जब कैटरपिलर को लेकर कैटरपिलर उसके पास जाता था, लेकिन मिस्टी उसे पसंद नहीं करती थी, कभी मारती थी, कभी वहाँ फेंक देगी, यहाँ फेंक देगी। तो मतलब कि मिस्टी को ना वो अच्छा नहीं लगता था, एंड कैटरपिलर भी निराश हो गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे हो गया। तो देखो, जब आगे जाते हैं फोर्थ या फिफ्थ एपिसोड में, तो एक पोकेमोन मतलब जाल से पकड़ता है बंदा, निंजा पता नहीं कौन होता है वो, उसके पास भी वो पोकेमोन कैटरपिलर होता है, जो मेटापोड बन चुका है, सेकंड रूप है इसका, इवोल्व होकर मेटापोड बनता है। तो देखो, जब मेटापोड ऐश का भी बन जाता है, लेकिन दोनों के पास एक ही शक्ति होती है, वो क्या बोलते हैं, सख्त कर लेते हैं शरीर को कि मतलब कोई हमला ना हो, तो दोनों सख्त कर लेते हैं, तो यार मैच कैसे होगा। तो दोनों मतलब दोनों की फाइट होती है, बट जीतता कोई नहीं है। तो देखो, दोनों की फाइट खत्म होती है, एंड उनके ऊपर एक बीटल जो मधुमक्खी होती है जहरीली, उनका ना हमला हो जाता है। तो उनके हमले के मतलब होता रहता है मतलब हमला, तो हमारा हीरो जैसे मर्जी बच जाते हैं, मुझे उतना याद नहीं। तो देखो, जब हमारा ऐसे चलता रहता है, एंड कुछ अगले एपिसोड में जो हमारा मेटापोड है, अब हमारा प्यारा बटरफ्ली बन जाता है, एंड बटरफ्ली बन जाता है। तो मतलब उस एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि टीम रॉकेट है ना, जो वो काफ़ी सारे बटरफ्ली को किडनैप कर रही होती है, एंड उसमें एक फीमेल बटरफ्ली होती है पिंक कलर की, आपको फोटो में दिख रही होगी, बड़ी प्यारी सी है। तो हमारे प्यारे हीरो ऐश की बटरफ्ली को उससे प्यार हो जाता है, फीमेल बटरफ्ली से, पिंक वाली से। तो देखो, उनके मतलब प्यार हो जाता है, एंड उसे भी टीम रॉकेट की डेप कर लेती है। तो हमारे हीरो से उसको बचाने जाते हैं, एंड वो गुब्बारे से बैठ के टीम रॉकेट उड़ जाती है, जिसमें मी आउट का गुब्बारा होता है, उसको देख के ना उड़ जाती है। तो हमारा जो हमारे हीरो से हैं, वो भी गुब्बारे में उड़ रहते हैं, एंड मतलब जो बटरफ्ली है हमारे हीरो के साथ ही जा रहा होता है। लेकिन जब ब्रोक देखता है ऐसा हो रहा, तो ब्रोक को ना गुस्सा आ जाता है, ब्रोक कहता है कि तुम्हारी दोस्त है, मतलब तुम जाओ उसे बचाओ। मतलब यार देखो, आप भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करते होगे बहुत कुछ, मैंने नहीं किया यार, क्योंकि चलो छोड़ो। तो देखो, जो हमारा बटरफ्ली है वो गुस्से में मतलब हीरो बन जाता है, रोमियो सलमान खान। तो देखो, जब वो बन के जाता है, एंड हम सारे बटरफ्लीज को किडनैप से छुड़ा देता है, एंड बटरफ्ली वगैरह टीम रॉकेट पे हमला कर देती है, एंड पिकाचू आगे देख लेता है। तो जब मतलब कि देखो, बटरफ्ली पे क्या बोलते हैं, हमला हो जाता है। तो जब हमला हो जाता है ना, तो बटरफ्ली जो है ना हमारा, मतलब कि बटरफ्ली को फीमेल बटरफ्ली से प्यार हो जाता है। तो फीमेल बटरफ्ली से जब प्यार हो जाता है उसको, तो हमारा रोमियो मतलब रोमियो बटरफ्ली जो है ऐश का हीरो का, अपने हीरो का, तो फीमेल बटरफ्ली से प्यार हो जाता है। तो ऐश भी देखता है, एंड वो भी बटरफ्ली कहते हैं कि मैं इसके साथ जाऊँ, ऐश में जाता है। तो ऐश ना मतलब काफ़ी शुरू में निराश हो जाता है, एंड सारे रोते हैं, ऐश मिस्टी ब्रोक एंड पिकाचू, एंड मतलब हमारा जो है क्या नाम है, बटरफ्ली भी रोता है, फीमेल बटरफ्ली भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। एंड यार काफ़ी इमोशनल कहानी है, मतलब कि अगर जो उसकी जगह आप भी होते तो आप भी होते। तो देखो, जब हमारा ऐश मतलब सर झुका के रह जाता है, एंड यार गाइज मुझे काफ़ी इमोशनल सीन लगा यार ये, और एपिसोड मैंने आज ही देखा, मैंने देखा भी पहले भी, आज भी देखा मैंने, तो यार मैं देख के काफ़ी इमोशनल हो गया। मतलब कि देखो, अब भी हो जाओगे यार। तो देखो, जब हमारा बटरफ्ली चल जाता है, एंड सारे हीरोस बाइक कर रहे होते हैं, लेकिन जब बटरफ्ली आगे चल जाता है, हमारा हीरो मतलब जो हमारा ऐश है यार, काफ़ी नाइस बंदा है यार, रियल लाइफ में भी ऐसे बंदे होने चाहिए। तो देखो, है कई हैं। तो देखो, जो हमारा ऐश है वो भी काफ़ी इमोशनल हो जाता है, एंड बटरफ्ली चल जाता है। एंड बटरफ्ली की रिटर्न होगी कि नहीं होगी यार, देखो मैंने एक यूट्यूब वीडियो देखी थी, इसमें शायद उस बंदे ने बताया था, बट मुझे पक्का नहीं पता, हो सकती है नहीं भी हो सकती। पोकेमोन जर्नी में आ रहे हैं रिटर्न्स पोकेमोन काफ़ी, देखते हैं क्या पता उनमें आ जाए बटरफ्ली, एंड प्रोफेसर ओक के लैब में रहने लग जाए बाकी पोकेमोन चार्लिज़ार्ड स्नोरलैक्स के साथ। कुछ भी हो सकता है यार, ये तो बस थ्योरी थी, एंड आपको कुछ पता है तो कमेंट कर दो, एंड आज की वीडियो बस यहीं तक।
तो मैं मिलता हूँ आपको एक और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड थ्योरी वीडियो में। एंड आपको कैसी थ्योरी सुननी है पोकेमोन से रिलेटेड कोई भी तो कमेंट कर दो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक, अच्छी लगी हो लगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है नहीं किया जिसने वो भी कर दो। तो मैं आपको मिलता हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड पोकेमोन से अपडेट, कोई भी अपडेट आएगा। और हाँ यार, एक और अपडेट था पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट से कि उसके ना 50 एपिसोड है, 48 नहीं है, 50 एंड 50 के 50 एपिसोड डब हो चुके हैं, टीवी पे बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यार पोकेमोन फैंस खुश हो जाओ यार। तो देखो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड हो रहा एक और बात यार पोकेमोन फैंस की, जय हो, चलो ठीक है, ओके बाय, ओके बाय।